अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। नीचे ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ए पार्ट है। ये रेशियो में दिया गया है क्वेश्चन, 40% रेशियो 200% इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़ 15 रेशियो रुपीज़ 75। ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये टू पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट साइड में है 40 रेशियो 200 और राइट साइड में है 15 रेशियो 75। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कॉपी में। अगर लेफ्ट में भी 15 रेशियो 75 आ जाएगी तो हम ट्रू लिखेंगे, और अगर नहीं आएगी तो फॉल्स लिखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कॉपी में किस तरीके से करना है। तो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप सभी बुक में से करेंगे। ए पार्ट है इसका, 40% रेशियो 200% रेशियो 200%। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आंसर सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं। तो 40 रेशियो में दिया गया है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 40/20 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, सॉरी 40/200 है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 10 से 10 कट गया एंड 4 1 5 और 4 5 20, तो क्या आया, 1/5 आ गया। अब इसी में ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में है ₹15 रेशियो ₹75। ये रेशियो में है तो इसे अपॉन में करेंगे। पहले कैसे लिखेंगे, इसे अपॉन में करके 15/75 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 15 1 15 और 15 5 75। अब देखिए, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व किया था, ये देखिए यहाँ पर रुपीस था, यहाँ पर भी रुपीस था, रुपीस से भी रुपीस कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पर्सन से, तो पर्सन से पर्सन कट जाएगा, ठीक है। तो 1/5 और 1/5 क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड भी 1/5 आई और राइट हैंड साइड भी 1/5 आई, यानी 1/5 = 1/5 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना। तो आंसर लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी तरीके से इसका बी वाला पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट में है 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम रेशियो 10 किलोग्राम। तो पहले इसको भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, और फिर पता लगाएंगे कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर इक्वल हुए तो येस लिख देंगे, और इक्वल नहीं हुए तो, अगर इक्वल हुए तो ट्रू, नहीं हुए तो फॉल्स लिखेंगे। तो बी पार्ट में है क्वेश्चन क्या है, 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स, उसके बाद इज इक्वल्स टू है 5 kg रेशियो 10 kg, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे, LHS को सॉल्व करके देखेंगे, ये वाला साइड, ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे, इसको अपॉन में लिख सकते हैं ना, तो 7.5 लीटर अपॉन में 15 लीटर। लीटर से लीटर कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना। अब इसको कट कर लीजिए, 15 3 ज़ा कितना होता है, 15 5 ज़ा होता है 75। ऊपर आ गया 5, नीचे आया 10। अब 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, 1/2 आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे,
राइट हैंड साइड में क्या है, 5 kg/10 kg, तो 5 kg को इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 kg/10 kg, 5 × 5, 5 × 2 = 10, इसका क्या आया, 1/2 आया इसका भी, इसका मतलब आंसर दोनों के सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2 आई है और राइट हैंड साइड भी 1/2 आई है, तो 1/2 = 1/2, इसका मतलब LHS क्या है, इक्वल हो गया RHS के, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब करेंगे थर्ड वाला पार्ट यानी सी वाला पार्ट। अब सी पार्ट में जो स्टेटमेंट दी गई है वो है 99 kg ratio 45 kg इज इक्वल्स टू 44 rupees 44 ratio rupees 20, इसको भी आपको बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है, यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लीजिए, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लीजिए, अगर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो यस ट्रू कर दीजिए, और अगर नहीं आती तो फॉल्स। चलिए करेंगे कॉपी में। तो सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में है 99 kg ratio 45 kg इज इक्वल्स टू, ये है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट वाली साइड, और इज इक्वल्स टू है ₹44 ratio ₹20। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इसको, फिर बाद में इसे सॉल्व करेंगे, तो LHS को सॉल्व करना है तो LHS लिख लिया, LHS को हम कैसे लिख सकते हैं, 99 kg/45 kg, kg से kg कट गया। अब क्या 99 और 45 कट सकता है, हाँ जी कट सकता है, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, और 3 × 3 = 15, क्या अब भी कट सकता है, अब भी कट सकता है, 3 × 3 = 3, और 3 × 5 = 15, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 11/5, ये तो आ गया LHS, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब RHS करेंगे, RHS को सॉल्व करके देखेंगे कि RHS का क्या आंसर आ रहा है, तो RHS है ₹44/₹20, रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, किसके टेबल से जा रहा है ये, 4 के टेबल से चला जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4 and 4 × 1 = 4, इसका भी आंसर आ गया 11/5, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, LHS इक्वल हो गया RHS के, 1/5 आ गया ना दोनों में, तो क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सिर्फ ट्रू और फॉल्स पता लगाने के लिए भी पूरा सम करना पड़ रहा है ना। अब है नेक्स्ट डी पार्ट, डी पार्ट में है 32 meter ratio 64 meter इज इक्वल्स टू 6 second ratio 12 second, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर इक्वल नहीं आते तो फॉल्स लिखेंगे, है ना, सेम है प्रोसीजर। अब नेक्स्ट है डी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन में है 32 meter ratio 64 meter इज इक्वल्स टू 6 second ratio 12 second, तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे यानी ये वाली साइड को सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू से लेफ्ट में जो है, तो 32 ratio 64 को क्या लिख सकते हैं, 32/64 लिख सकते हैं, 32 × 32 होता है, 32 × 2 = 64 होता है, पीछे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए चाहे तो आप, तो ये तो हो गया 1/2, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में है ये मीटर था तो मीटर से मीटर भी कट जाएगा, उसके बाद है 6 second, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 6/12 second, तो 6 second/12 second, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 6 × 6 and 6 × 2 = 12, ये भी आ गया 1/2, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए हैं, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या लिखेंगे, द
गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। अब है नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट में दिया गया है 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स। इसे सॉल्व करके देखेंगे, सेम वही प्रोसीजर करना है। अगर LHS RHS इक्वल आ रहे हैं तो ट्रू आएगी स्टेटमेंट, और नहीं तो फॉल्स लिखेंगे। तो ई पार्ट करेंगे, ई पार्ट में है 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर एंड इज इक्वल्स टू 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स, 15 घंटे और 12 घंटे रेशियो 15। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले सॉल्व करके देखेंगे सेम आ रहा है या नहीं। 45 किलोमीटर अपॉन में 60 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 15 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 15 थ्री ज़ा 45, 15 फोर ज़ा 60, 3/4 आ गया। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो अब RHS लेकर देखेंगे कि RHS को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या आ रहा है आंसर। तो RHS में है 12 आवर्स अपॉन में 15 आवर्स, 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 फोर ज़ा 12, 3 फाइव ज़ा 15। अब देखिए राइट हैंड साइड आ रहा है 4/5, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 3/4। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 इज नॉट इक्वल्स टू 4/5, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। The given statement is not true. Is not true. इसी के साथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सभी बच्चे कॉपी में कर लीजिए इसे, अच्छी हैंडराइटिंग में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।